Hello students, welcome to the channel. Today I will give the explanation and answer of unit 2 2.1 from a railway carriage. Let's get started. From a railway carriage. Carriage ka matlab hota hai gaadi. Railway carriage ka matlab hua rail gaadi. This poem is written by R.L. Stevenson. First stanza mein dekho kya bata rahe hain. First, faster than fairies, yani pariyon se bhi tez. Faster than witches. Witches ka matlab hota hai chudail. Bridges and houses, hedges and ditches. And charging along like troops in a battle all through the meadows and the horses and cattle. ट्रेन परियों और चुड़ैल की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है और ट्रेन इतनी तेज से चल रही है कि उससे क्या हो रहा है, पुल, घर और जो भी खाई वगैरह है वो क्या हो जा रहा है, पीछे छूट जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विसिल बाय. युद्ध में मैदान में अपने दुश्मनों पर हमला करने वाले सिपाहियों की तरह ट्रेन आगे बढ़ रही है. इन खेतों को भी पीछे छोड़ जाती है जहाँ घोड़े और कैटल हैं और जहाँ पर मवेशी भी हैं. हियर इज अ चाइल्ड हु क्लाइंबर्स एंड स्क्रैम्बल ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स. हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज एंड देयर इज अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंकिंग द डेजीज. थर्ड स्टैंजा में पोएट एक बच्चे को देखता है जो अजीब तरीके से ब्रैम्बल्स ले रहा है. ब्रैम्बल्स इट इज अ काइंड ऑफ फ्रूट. तो वो और एक बेघर आदमी को भी देखता है जो ट्रेन को बहुत अजीब तरीके से देख रहा है. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है वो गांव में घास के मैदान में कुछ औरतों को डेजी के फूलों से माला बनाते हुए देखता है. टैम का मतलब होता है बेगर और अ पर्सन हु वंडर्स, यानी जो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं वो लोग तो फर्स्ट टाइम ट्रेन देख रहे होंगे इसलिए वो घूर रहा होगा. लास्ट स्टैंजा. हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलोंग विद अ मैन एंड लोड एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर. हाईवे पर एक कार्ट है जो धीरे धीरे चल रही है और गाड़ी सामान से भरी है और गाड़ी चलाने वाला उसके ऊपर सामान पर बैठा है और उसके आगे एक चक्की भी है और नदी भी दिखती है. ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से दिखती है और गायब हो जाती है. अगर आप सब ने ट्रेन में ट्रेवल किया है तो ये सब एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो चुका होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप बाहर के सीनेरियो देखते हैं तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, मतलब पलक झपकते ही गायब हो जाती है. ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि बाहर का जो सीन रहता है हमको एक जैसा नहीं दिखता है, वो बदलते रहता है. फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर रिदिम. व्हाट डज द रिदिम रिमाइंड्स यू ऑफ. तो ये फर्स्ट पोएम को हमको क्या करना है, रीड करना है क्लासरूम में रिदिम के साथ, यानी ट्यून के साथ. और अगर हम पोएम पढ़ रहे हैं तो हमको क्या रिमाइंड हो रहा है, यानी हमको ट्रेन की ट्रैवल की याद आ रही है ना. अर्न फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. राइमिंग वर्ड्स विचेस डिचेस बैटल कैटल रेन प्लेन आई बाय स्क्रैम्बल ब्रैम्बल गेज Gazes, daisies, road, load, river, ever. See the question number third. First one, the sight seen through a railway carriage mentioned in the first stanza. The sight mentioned in the first stanza are bridges, houses, hedges, ditches, meadows, horses and cattle. Second question, the sights mentioned in the second stanza. Answer, the sights mentioned in the second stanza are hills and plains and painted stations. Third one, the site mentioned in third stanza. The site mentioned in third stanza are child gathering brambles and tramp and green grass. See the question number four. First one, why are the sights said to fly? Answer, the sights are said to fly to give us an idea of the great speed of train. Second, does the last line make you happy or sad? Why? The last line make me sad because I would like to see the sights again and again. Next, list the lines that begin with here and here. Here is a child, here is a tramp, here is a cart, and here is a mill. The items selected the above line are closer to the train as they are inducted with words here. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, here and here से जो भी sentence है वो बनाना है from poem. Next one. नेक्स्ट हमको बनाना है एंड देयर. एंड देयर इज ग्रेन एंड चार्जिंग अलोंग. द आइटम लिस्टेड इन द अबो लाइंस आर एट अ डिस्टेंस हैज दे आर इंडक्टेड विद द वर्ड देयर. सिक्स्थ वन, रीड द फॉलोइंग. चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन बैटल फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. यूजिंग यूअर इमेजिनेशन राइट वन और टू कंपेरिजन ईच ऑफ. आंसर, द इवनिंग ट्वाइलाइट इज लाइक बर्निंग फ्लेम. The roses in my garden are as red as blood. Next question, write about the sights you may see from a bus.
or an aeroplane. You may write it in the form of a short poem. So students, I have written on aeroplane. You can write it with yourself or you can copy down from here. It's better to do with yourself. Or you can write on bus also. Now I have given here meanings. First one is hedges, second ditches, charging, troops. So students, you have to copy down the words study from here. With this, I have finished my explanation and answer series of 2.1 railway carriage. If you haven't subscribed to the channel, subscribe it now. Share with your friends. Do like, do comment. And thanks for watching, guys. Bye.